मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं बर्फानी आश्रम, और यहाँ पे काली माता और भगवान शिव का मंदिर है जिसको बर्फानी बाबा ने बताया है। और कोई गाइस एग्जैक्ट नहीं जानता कि बर्फानी बाबा की एज कितनी थी। कुछ कुछ लोग बोलते थे 400 इयर्स प्लस थी, कुछ कुछ लोग तो बहुत सारी एज बोलते थे, क्योंकि किसी को आज तक यह नहीं पता चला कि बर्फानी बाबा की एग्जैक्ट एज कितनी थी। तो जो मंदिर है वहाँ पर आप जो भी मन्नत मांगते हो पूरी ज़रूर होती है, और आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं माता जी के, शंकर भगवान के। तो आज ही हम लोग दर्शन करने आए, तो हमने सोचा कि आपको भी क्यों ना दर्शन करा ली जाए माता जी के। तो आप ब्लॉग को लास्ट तक देखना, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो अभी से लाइक कर दीजिए ताकि आप लास्ट में ना भूल जाए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, और अभी हम लोग जा रहे हैं काली माता जी के दर्शन करने। अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और आप देख ही सकते हैं कि माता जी की मूर्ति कितनी ज़्यादा विशाल का और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर दुर्गा माता के अभी हम दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे दुर्गा माता के साथ दुर्गा माता के अनेक स्वरूप के भी हम दर्शन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब भी आते हैं तो आप दुर्गा माता के साथ साथ उनके अनेक रूपों के भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने जा रहे हैं, और यहाँ पे नंदी बाबा देखिए कितने ज्यादा सुंदर से देख रहे हैं। भी शिवलिंग स्थापित किया जाता है, उसके आगे नंदी बाबा को भी जरूर स्थापित किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि हर पल नंदी बाबा भोले बाबा को देख रहे हैं। तो जा रहे हैं शिव भगवान के दर्शन करने, और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग शिव भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हम लोग शंकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और शंकर भगवान के साथ साथ अभी हम 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान जी के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बर्फानी बाबा के दर्शन करने।
एंड करने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोग आए थे बर्फानी आश्रम में और यहाँ पर माता काली के हमने दर्शन किए, शंकर भगवान के दर्शन किए और भगवानों के अलग अलग स्वरूप के भी हमने दर्शन किए। यहाँ पर आके हमारा मन शांत हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आप कभी भी राजनांदगांव विजिट करते हैं तो यह जगह आना बिल्कुल ना भूले, भगवान के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।